पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर हिंदुस्तान की आजादी के जश्न में डूबी नजर आई, तो वहीं भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाया। देखने में ये दोनों तस्वीरें एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन आजादी के रंग में रंगी सीमा और अंजू के इस वीडियो में बहुत फर्क है। जैसे हर तस्वीर के अलग अलग मायने होते हैं, ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। एक तरफ भारत की आजादी के जश्न के दौरान सीमा हैदर का चेहरा खिला हुआ है, जबकि दूसरी तरफ अंजू सीमा से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। पहले ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव से आई इन तस्वीरों को देखिए। जहां पाकिस्तान की बेटी सीमा हैदर भारत आकर पूरी तरह यहां के रंग में रंग गई है। हिंदुस्तान की आजादी का जश्न सीमा हैदर ने कुछ इस तरह से मनाया। सीमा हैदर ने अपने पति सचिन मीणा और चार बच्चों के साथ हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया, अपने घर पर तिरंगा फहराया। इस दौरान सीमा हैदर ने भारत माता की जय के नारे लगाए और वंदे मातरम भी बोला। इन तस्वीरों में देखिए, सीमा हैदर पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रंगी हुई नजर आ रही है। सिर पर जय माता दी की चुनरी बांधी है और गले में तिरंगा दुपट्टा डाल रखा है। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई सीमा हैदर ने कहा कि वो भारतीय है और हमेशा तिरंगा फहराएगी। झंडा भी लगाया है? बिल्कुल लगाया है, मैं भारतीय हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी। जी भाई, आप आगे सर से बात करें। तो आज आप भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं? बिल्कुल, अब भी बोलूंगी भारत माता की जय। सीमा हैदर और अंजू की इन दो तस्वीरों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि सीमा हैदर अपने चारों बच्चों के साथ हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मना रही थी, जबकि अंजू अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में अंजू ने नसरुल्ला के साथ पाकिस्तान की आजादी का केक काटा और इसके बाद शुरू हुआ अंजू का झूठ पर झूठ बोलने का सिलसिला। अंजू, जिसके बारे में पाक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि उसने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन और नसरुल्ला से निकाह कर अपना नाम फातिमा रख लिया है, वो इस बात से अब इनकार करती दिख रही है। यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, हर चीज़ फर्जी काम हो जाते हैं आजकल, सबको पता है। अफवाह बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग, अपने नंबर बनाने के लिए। ये करूँगी तो फिर सबको बताऊँगी, बता के करूँगी प्लानिंग से, ऐसा कुछ भी नहीं बनाने को। तो लोग कुछ भी बना रहे हैं पर ऐसा नहीं है, जो भी करेंगे, अगर शादी करेंगे जो भी करेंगे तो बताएंगे सबको मीडिया पे, जो भी करेंगे। अब अंजू पाकिस्तान में रहकर लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है, क्योंकि उसने अपने पति को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने परिवार वालों और अपने देश को धोखा दिया, और अब वो कह रही है कि वो भारत को मिस कर रही है। देखो, सबसे पहले तो ये कहूँगी, देखो A to Z सब कुछ अच्छा है, और थोड़ा सा माहौल का तो फ़र्क पड़ता ही है ना। मैं वहाँ से आई हूँ तो थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मिस तो करते हैं ना अपनी जगह को। एक और सीमा हैदर है जो सीना ठोक कर कह रही है कि वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहेगी, हमेशा तिरंगा फहराएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अंजू का वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी अभी वो पाकिस्तान से भारत आने वाली नहीं है। ऐसे में अंजू बार बार अपनी बातों से गुमराह करने का काम कर रही है।